प्रिय मित्रों, शुभ आशीर्वाद आप लोगों के। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूं। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को, मेरे प्रोग्राम को, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त करें। आप लोग यही आस्था प्यार मुझको देते रहें। खुद एक समय आएगा कि आप अब मेरे प्रोग्राम के माध्यम से कुंडली देखने के विशेषज्ञ बन जाए। आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ बुध राहु ग्रह की युक्ति। जैसा कि आपको मालूम है, बुध राहु का मित्र है, राहु बुध का मित्र है। ये दो मित्र मिल करके आपके कुंडली में किस भाव में, कैसा प्रभाव, क्या लाभ देते हैं, क्या हानि देते हैं, इसको आप जिसके लग्न में बुध और राहु बैठा हुआ है, कुंडली के लग्न में बैठा हुआ है, ऐसे लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से परेशान होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में बुध और राहु बैठा हुआ है, ये लोग बुद्धिजीवी होते हैं, सुशील होते हैं, कर्मठ होते हैं, लगनशील होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में बुध राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, स्वावलंबी विचार के होते हैं और जीवन में अच्छी सफलता पाते हैं, उदार होते हैं, भावुक होते हैं, माता पिता भाई बंधुओं के सेवक होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में राहु बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं और इनका पारिवारिक जीवन भी पूर्ण सुखदायी नहीं। जिसकी कुंडली जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में बुध और राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग इच्छानुसार शिक्षा नहीं पाते हैं, इच्छानुसार सफलता नहीं पाते हैं, ऐसे लोग को संतान सुख में भी रुकावट आता है और हमेशा दौड़ धूप करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, इनका कभी चरित्र खराब नहीं होता, कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी केस मुकदमा नहीं लड़ते। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग के दाम्पत्य जीवन में विवाद रहता है, ऐसे लोग इच्छानुसार शादी नहीं कर पाते हैं और पारिवारिक जीवन इनका विवादों में रहता है तथा हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, संगीतकार होते हैं, कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में राहु बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, पदोन्नति नहीं होती है, भाग्य का उदय नहीं हो पाता है, मेहनत का इनको सही लाभ नहीं मिलता है, भाग दौड़ हमेशा करते हैं, कभी भी ये जीवन में इच्छानुसार सफलता नहीं पाते। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में बुध राहु बैठा है, ऐसे लोग उद्योग के द्वारा, व्यापार के द्वारा धन कमाते हैं, ऐसे लोग केमिकल ट्रेडिंग, रियल इस्टेट, बिल्डिंग, सब जमीन संबंधी व्यापार में अच्छी सफलता पाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में बुध राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग
अकस्मातिक धन पाते हैं, कम परिश्रम में अच्छी उन्नति करते हैं। ऐसे लोग छोटी नौकरी करके ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं, राजनीति में सफलता पाते हैं, विधायक और सांसद भी बनते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से 12वें भाव में बुध राहु बैठा हुआ है, दोस्तों ये अच्छा नहीं है। ऐसे लोग के चौथेपन अच्छे जाते हैं, ऐसे लोग को संतान के विचारों से मतभेद रहता है, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, हमेशा मानसिक पीड़ा रहती है और अधिकांश सोचे हुए कार्य इनके अधूरे रहते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। अगर कोई मित्रगण अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराने की इच्छुक हो, मुझसे चाहते हैं कुंडली का विश्लेषण कराना, तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए। उसके लिए कुछ आपको शुल्क देना होगा, अगर शुल्क देंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। इतना कहते हुए वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।